बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में बैठ के प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं अगेंस्ट कोविड-19 और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब आपका फाइनल सेमेस्टर आने कौन सा एंडिंग पर है, फाइनल डेज हैं आपके लोगों के लिए सेमेस्टर के। तो आज हमारे पास जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 23 है, इस्लामिक एंड पाकिस्तान स्टडीज़ IPG विच इज़ ऑफर्ड बाई IMS। तो आज हमारे पास जो लेक्चर है उस पर हम चार्ट करते हैं। हमारे पास ये जो यहाँ पर एक ऑप्शन दी हुई है कंटेंट्स की, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर है सबसे पहले रेन ऑफ आलमगीर, रिवोल्ट अगेंस्ट मुगल एम्पायर एंड अहमद शाह अब्दालीज अराइवल, यहाँ पर इस नाम से इसका है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो स्लाइड है वो है रेन ऑफ औरंगजेब आलमगीर के नाम से। सबसे पहले हमने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इसको दिया कि यहाँ पर उनका जो नाम था वो था मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। उनकी डेट ऑफ बर्थ है November 3, 1618 एंड डेट ऑफ डेथ है March 3, 1707। आप जानते हैं कि जैसे कि ये वॉर ऑफ सक्सेशन थी, जानशीनी की जंग थी। शाहजहाँ चाहता था जो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम थे, वो चाहते थे कि अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को बादशाह बनाए, जबकि दारा शिकोह के बारे में आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि दारा शिकोह जो उनसे था वो एक तरह से कहते हैं अकबर की जो पॉलिटिकल पॉलिसी थी, जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसका रिवाइव कर रहा था, रिवाइवल था चाहता था उसका हिंदुस्तान में दोबारा था, कि तमाम जो हिंदुज़म है और इस्लामिज़म है और जितने भी दूसरे मजाहिब हैं रिलीजन्स हैं वापस में टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाते हुए एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाए। अगरचा इसकी पॉलिसी कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक थी, क्योंकि इसने तो इस्लाम को एन हिंदुज़म और हिंदुज़म को एन इस्लाम करार दे दिया। अपनी किताब मजमुअल बहराइन के अंदर जो कि इसने कहते हैं लिखी है, उसके मुकदमे में इसने ये बयान किया, कि भी मुकदमे के अंदर कि कुरान जो उनसा है वो उपनिषद ही की जुबान है, उपनिषद के अंदर है और उपनिषद अल्लाह ताला की तरफ से सबसे पहली वही की गई किताब है, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह किताब है। लिहाजा दूसरे तमाम शहजादे शाह शुजा था, मुराद बख्श था, ये आपस में सब मिलकर औरंगजेब के साथ मिलकर दारा शिकोह के खिलाफ हो गए। और दारा शिकोह ने पहले कोशिश की कि वो पहले शहजादा शुजा को शिकस्त दे और उसके लिए अपने बेटे को भी भेजा वहाँ पर, लेकिन औरंगजेब ने जो सा था इसको दारा शिकोह को शिकस्त दी और तुम दूसरे भाई तमाम शहजादे भी औरंगजेब के खिलाफ हो गए। लिहाजा औरंगजेब ने उन सबको भी शिकस्त दी, उनको कत्ल कर दिया, भतीजे मारा को भी असीर कर दिया, अपने वालिद मोहतरम शहजादा शाहजहाँ को भी कैद में रखा। आखिरकार इसके हिस्से में ये जो सा है एम्पायर आ गई। फिर इसने क्या किया, इसने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ किया, इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बड़ी कोशिश की इसने, टैक्सेशन पॉलिसी बनाई, फिर स्ट्रेटजी अबाउट टेम्पल्स एंड मॉस्क के मंदिर ना बनाए जाएं दोबारा, नए मंदिर नहीं बनाए जाएंगे, जो गिर जाएंगे ना उनकी तमीर की जाएगी, बस जो रहेंगे अपने हालात पर रहेंगे, नई नई मस्जिद बनाए जाएं वहाँ पर। और इसने फिर मुगल एम्पायर का बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना एक्सपेंशन दी उसको, क्योंकि अकबर के दौर के अंदर इसने बहुत पीक पर थी हुकूमत, उसके बाद चूँकि फिर हिंदुओं की वजह से अमल दखल की वजह से डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सी हुई, लेकिन बाद में और अल जहांगीर और शाहजहाँ के दौर में और मजबूत होती गई, लिहाजा ये मुगल एम्पायर का सबसे पीक टाइम था। कहाँ दक्कन हैदराबाद अंकल से लेकर वो बंगाल तक, बंगाल से कश्मीर, कश्मीर से पंजाब, कहाँ तक जो सा था इसका हुकूमत इसकी पहुँचती थी। इसके दौर में जो आर्किटेक्चर और कैलीग्राफी था वो बड़ा अहम था, क्योंकि कुरान पाक को खुद लिखता था और उसको लिख के बेचा करता था और उससे जो आमदनी होती थी उसको वो अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाता था। फिर फतावे आलमगीरी है जो आज तक बड़ा मशहूर कहा गया है। इसके अलावा जो क्या कहते हैं पातशाही मस्जिद है जिसकी आगोश में हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है वो बनाई इसने, फिर और बहुत से बड़े बड़े काम भी उसे तरीकी जगह थी वो इसने बनाया। तो इसका इस लिहाज से बड़ा एक हमें आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास अब देखें यहाँ पर आता है रिवोल्ट अगेंस्ट मुगल एम्पायर। चूँकि अगरचा मुगल एम्पायर 1857 तक रही, लेकिन इसके अंदर बहुत से जो से थे ना बगावतें होती रही हैं इनकी हुकूमतों में मुगल एम्पायर के अंदर, जिनको वक्तन फवक्तन दबाते भी रहे हैं, प्रेशराइज के जरिए भी और सुलह सफाई के जरिए भी होता रहा है। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करना चाह रहे हैं वो दो बड़े रिवोल्ट हैं, जिनमें से एक तो सिख कम्यूनिटी का था और दूसरा मरहटा कम्यूनिटी का था।
सिख कम्युनिटी के बारे में ये था कि ये पंजाब से चली थी, एक किस्म की ये रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट थी जिसने बाद में पॉलिटिकल जो सी थी ना कंडीशन मोमेंट के शक्ल अख्तियार कर ली। और इसका जो सबसे बड़ा था वो था गुरु गोबंद और गुरु बिंदा था, जिन्होंने इस तहरीक को सियासी करने की कोशिश की और मुसलमानों पर कत्ल वारत किया, और जहाँ जहाँ जाते थे जुल्म सितम करते थे, यहाँ तक के जहाँ पर वो परिंदों के हूले करते थे इंसानों के भी हूले करने शुरू कर दिए। और हूला कहते हैं कि इंसानों को कैद करके पिंजरे में बंद करके किसी जगह लटका देते और उसके नीचे आग जला देते, तो उस तपिश से उस हरारत से उनकी स्किन जलती, वो तड़पते बेचैन होते और जल जल के वो भून जाते तो फिर उनको खाते इस तरह करके। फिर इनकी कम्युनिटी की क्वालिटीज़ क्या थी कि कहते हैं कि जब बादशाह ने शहजादा शुजा ने जब इनको छोड़ी उसके बेटे ने औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने जब इनको शाह आलम ने इनको कत्ल करने की पकड़ लिया, इन सब लोगों सिखों को जो जुल्म सितम करते थे, तो उनको जब कत्ल करने के लिए कहा गया कि उनको गर्दन उड़ा दी जाए, तो उनमें से हर एक आगे बढ़ के कहता था कि मुझे पहले कत्ल करो, इतना था उनके अंदर जोश व जज्बा। वो किस वजह से, उनके अंदर इत्तेहाद पड़ा था, उनका अकीदा ये था कि हम सब लोगों ने जहाज एक किस्म का जिसे कहते हैं ना सौ कार जहाद है उनकी नज़र में, कि उन्हें अपने मजहब के लिए किया है, अपने आप को बचाने के लिए किया, और उसमें इतना नज्म व जब्त था, तंजीम बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर। इसके अलावा जो दूसरे लोग कम्युनिटी थी वो था मरहटा ब्रुटैलिटी फ्रॉम दक्कन से, ये एक किस्म की प्योर हिंदू पॉलिटिकल मूवमेंट थी, जिन्होंने जिनके साथ बड़े बड़े राणा थे, राणा लोग थे जो, और ब्राह्मण शामिल हो गए थे। और इसका जो सबसे बड़ा जो पायनियर था इसका वो हिंदू था, उसका नाम था शिवाजी, शिवाजी नाम था इसका। और इसका जिसने जिसको हम आज की उसके बाद जिसने इसको सही अरूज दिया, पीक दिया इसको, वो बालाजी था, जिसका पेशवा के नाम से जाना जाता है। और ये ब्राह्मण लीडर था बड़ा, और इसने बहुत तंग किया, और इसी को कंट्रोल करने के लिए मरहटों की जो सी थी जो पॉलिटिकल पॉलिसी थी और जिनकी एक्टिविटीज थी मुसलमानों के खिलाफ, के ईद कुर्बान के ऊपर लोगों को कुर्बान किया इन्होंने अपने जमाने में, यहाँ तक कि जो मेले वगैरह लगते मुसलमान हिंदू जाते तो पीछे से तबाहियां फेर देते, लूट लेते, हर चीज लूट लेते थे। यहाँ तक कि कहा कि तबाह तबाही ने तो सीयर अल मुताखरीन में यहाँ तक कह दिया कि इनकी कोशिश तो सिर्फ यही थी कि दुनिया की हर चीज सिर्फ इनके पास आ जाए। तो हम जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे कि अहमद शाह अब्दाली का इसमें क्या कैरेक्टर था। अहमद शाह अब्दाली चूंकि एक कबायली इंसान था और इसका कबीला जो था वो सदुजई था, मुल्तान में 1724 में पैदा हुआ और नादिर शाह की आर्मी को इसने 1737 में ज्वाइन कर लिया। और फिर ये बानी था 1747 में अफगान एम्पायर का, 1747 में जब नादिर शाह को कत्ल कर दिया गया तो ये फिर तमाम मुतफिका राय की लोगों के लिए मुतफिका राय से वहाँ का बादशाह बन गया। और इसका दो बड़े काम थे, एक तो हम उसके बारे में हम जरा बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये बात कर लें कि ये बड़ा मजहबी आदमी था और बड़ा पक्की पक्का सुन्नी था। जब पानीपत की जब लड़ाई हुई है मराठों के साथ इसकी, तो इसने अगले दिन जाके बोली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाके हाजिरी दी। हनफी था, बुजुर्गान दीन और औलिया कराम सलाफ को बड़ी ही अहमियत देता था ये। अच्छा, इसके जो बड़े अहम काम हैं वो ये हैं कि एक तो इसने ईरान का जो इलाका था खरासान का, उसके मशरकी हिस्से को अलहदा कर दिया। नादिर शाह ने तो कोशिश की थी ना कि उसके अंदर लोगों को कंट्रोल किया जाए, जो सफवी खानदान था, जो शिया था, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए और उनको उन पर से जो सुन्नी मुसलमान है उन पर से उनका जोर खत्म किया जाए, और उसमें नाकाम रहा था। इसने तो अहमद शाह अब्दाली ने तो वो इलाका ही अलहदा कर दिया, उनसे इलाका अलहदा करके उसका नाम इसने अफगानिस्तान रख लिया, और उसके साथ अपने केपीके के कुछ इलाके और जो था वो बलोचिस्तान का पंजाब उस इलाके तक को अपने अंदर शामिल इसने कर लिया। और दूसरा बड़ा काम था इसका कि पानीपत की लड़ाई जो उसने मरहटों के खिलाफ लड़ी थी। पानीपत समझने के एक सेंट्रल पॉइंट था वार के लिए, वार सिस्टम के लिए, कि सबसे पहले यहाँ पर जो लड़ाई हुई वो जहीरुद्दीन बाबर की इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुई, अल्लाह ताला ने उसको फतह दी। इसके बाद अकबर की जो था लड़ाई हुई हिमबकाल के जो था उसके खिलाफ हुई, अल्लाह ताला ने उसको भी फतह दी। और तीसरी और फाइनल जंग जिसके बाद मुसलमानों हिंदुओं का रिजोर था वो टूट गया, वो पानीपत की लड़ाई थी अफजल शाह की मरहटों के खिलाफ। ये बात है कि अहमद शाह अब्दाली आया क्यों, इसके बारे में हमारे पास जो बड़े अच्छे मिलते हैं दलाइल, जो आर्गूमेंट्स मिलते हैं हमारे पास वो ये हैं, प्रूफ्स मिलते हैं कि अगरचे बहुत से दूसरे राजाओं ने भी मिलकर, नवाबों ने मिलकर, ऐसे नजीबुद्दौला, शुजाउद्दौला,
इन लोगों ने मिलकर दौलत खान ने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। इसके अलावा यहाँ पर शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह दिल भी काफ़ी बड़ा काम था कि इन्होंने खत लिख के उनको बुलाया। और अगर आप किताब पढ़ लें शाह वली अल्लाह के सियासी मकातीब जिनको एडिट किया है और प्रोफेसर खलीक अहमद निज़ामी साहब ने, तो आप हैरान होंगे कि कैसे कैसे उन्होंने हालत लिखी है, बयान की है, और उसको सराहा है कि अगर वो यहाँ आएंगे तो अपने अपना नाम लिखवा के जाएंगे अल्लाह की बारगाह में भी और तारीख में भी। अहमद शाह अब्दाली को उन्होंने बुलाया कि भाई यहाँ पर मरहटे जो उनसे हैं वो बहुत फल फूल रहे हैं और मुगलिया सल्तनत जो उनसे है वो अपने आखिरी दमों पर है, कुछ समझ नहीं आ रही है, वो हमला करते चले जा रहे हैं, अच्छा हुकूमत मरहटों के कब्ज़े में आ गई है, उन्होंने महल सराफ का कब्ज़ा कर लिया है, ख़वातीन को और रोशेजादों को असीर कर लिया है, और बस अनकरीब था कि वो कर लें कि वहाँ पर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दें। तो उन्होंने कहा कि चलो हम अहमद शाह जो उनसे हैं अब्दाली का खाले खात्मा खाना तो फिर करेंगे मरहटों का, मरहटों ने ये कहा। लेकिन उस दौरान जब अहमद शाह अब्दाली को शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया तो ये आए यहाँ पर, इन्होंने आकर मरहटा के खिलाफ पानीपत में लड़ाई की और अल्लाह ताला ने इनको पता ही आप किया, ये जीत गए। और उसके बाद फिर ऐसा जोर टूटा उनका कि वो दोबारा आगे बढ़ नहीं सके। फिर ये भी था कि अब्दाली की जनरोसिटी यहाँ पर क्या थी, सखावत क्या थी, उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी यहाँ हुकूमत करूँ, बल्कि ये किया कि जाते हुए अपनी जो दिल्ली था, सल्तनत थी, जो हुकूमत थी, वो शाह आलम को दे के गया, वजीर किसी और को बना के गया, इसी तरह गवर्नर किसी और को बना के गया। उसने लालच नहीं किया कि मुझे दुनिया चाहिए, बल्कि सिर्फ एक हमदर्दी की हैसियत से और मुसलमान उम्मत मिल्लत की जो खुबत थी उसके तहत जो सा था वो आया और उसने आकर यहाँ फतह किया, मुसलमानों की मदद की, मरहटों को ख़त्म किया और यहाँ से चला गया। इसके बाद भी लेकिन होने के बावजूद मुसलमानों को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे अपने आप को संभालें, लेकिन फिर भी शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को जगाने के लिए, उनको अवेयरनेस देने के लिए माशरे के मुख्तलिफ तबकात को खताब किया, उनको पैगामात दिए, उनको समझाया, खतो खताबत के जरिए समझाया, किताबों के जरिए समझाया, बयानात के जरिए समझाया, जिनमें आप देखें फुकहा के नाम भी है, बादशाहों के नाम भी है, सिपाहियों के नाम भी है, कमांडरों के नाम भी है, उमालों के नाम भी है, ज़मींदारों के नाम पर भी है, तुलबा के नाम भी है, उलमा के नाम भी है, सूफिया के नाम भी है, कि मुसलमानों को सपोर्ट करें, मुसलमानों की रूहानी जैसे कहते हैं नरिशमेंट करें ताकि वो ग्रो अप हों और अपने आप को बचा सकें, उनकी हुकूमत बच सके। फिर इसके अलावा जो था उन्होंने मुसलमानों के लिए एक लाहा अमल भी तैयार किया, उन्होंने बहुत सी उनके मुसलमानों को ये देखा कि अन्नास वाला दीन मलो की हैं कि जब मुसलमानों को चलो कुछ तो फिर भी वो ज़रा रहते हैं इस्लामी तलीमात के ज़रिए से रहते हैं, और जब हुकूमत मुसलमानों की है तो उनको ज़रा रहता है कि मुसलमान अपने बादशाहों को ही देख कर सीधा रसब क्या करते हैं, लेकिन अगर जब मुसलमानों की हुकूमत ही नहीं रहेगी, हिंदू आ जाएंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान जो उनसे हैं वो तो हिंदुओं की जो उनसा है पैरवी करना शुरू कर देंगे, उनको फॉलो करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम और फिर यहाँ पर मुसलमानों का इम्तियाज ख़त्म हो जाएगा, वो सब एक ही यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशें थी, हम इसके बारे में इंशाल्लाह आगे डिटेल में भी जो उनसा है पढ़ेंगे क्लास में। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है रिकमेंडेड मटेरियल का, उसमें शाह वली एंड हिज टाइम है बाय अतर अब्बास रिज़वी साहब की, एस यू एल अकेडमी ने पब्लिश किया, कोई भी एडिशन इसका ले लें, नेट पर अवेलेबल है। तहज़ीब दावत-ए-अज़ीमा का वर्जन 5 है, अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की, मजलिस नशरियात इस्लाम कराची ने इसको शाया किया है, इसका तज़किरा शाह वली है सैयद मुनव्वर हसन गिलानी साहब का, मतमातुल हसन का है मेरे पास, इसका भी आप कोई एडिशन लेकर तो आप इसको पढ़ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम।